ठीक है, 330 पिलर नंबर के पास से मुड़ना है अपने को। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं कार खरीदने के लिए CMS सेंटर पे, जहाँ पे आपको सेकेंड हैंड कार मिल जाते हैं और वो लोग हमें कंपनी में भी लगा के प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या प्राइस में हमें कार मिलने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहे और इन्जॉय करिए ये ब्लॉग। इसमें हम लोगों ने उसको कॉल भी नहीं किया ताकि उन्हें पता चले कि हम लोग आ रहे हैं और वो लोग मतलब कि एक्सपेक्टेशन जो रहती है बंदों को तो वो एक्सपेक्टेशन ना रहे, इस कारण हमने कॉल नहीं किया और डायरेक्ट हम जा रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जाके जो भी बात होंगी वो हम बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या प्राइस में क्या कौन सी कार मिल रही है। और लेने जा रहे हैं हम आर्टिका, आर्टिका के बारे में पता करेंगे की डिज़ायर वगैरह सेकेंड हैंड में क्या रेट चल रहे हैं उनके और क्या कैसे मतलब सुविधाएँ मिलती हैं उसके साथ, कैसे मतलब कंपनी में लगाते हैं और कैसे मतलब कितना प्रोसेस मतलब फीस चार्ज वगैरह लगता है, पूरी डिटेल में हम बताएंगे आपको। बने रहो वीडियो के साथ। अभी से वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके जरूर जाना वीडियो को और एंजॉय करते रहो। तो जब तक चल रहे हैं हम वहाँ पे और आज़ादपुर मोती नगर ढोलक कुआं छोड़ते हुए आप धीरे धीरे निकल चुके हैं और बाहर आके आप नज़ारे देख सकते हो। बाइकें बहुत सारी जा रही हैं और बाइकें तो बहुत सारी हैं बट यहाँ पे अगर कार आ जाए इसके बीच में तो कार फंस जाती है, इसलिए ज़्यादातर अफोर्ड करते बनने बाइक बाहर होते हैं तो बाइक ट्रैवल की बाइक बढ़िया है। तो अभी चल रहे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ और बाकी आप दिल्ली के रोडों का नज़ारा देख सकते हो, भीड़ भाड़ वाला दिल्ली शहर केजरीवाल। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर के पास में और यहाँ से हम चलने वाले हैं भाई ने इसी फ्लाईओवर के पास ही खाना खाया था। फ्लाईओवर पीड़ागढ़ी के फ्लाईओवर जो दिल्ली के लौटने हमारे सीट की तरफ किसी जगह के बारे में आपको पता ना हो और आप आ जाओ तो ऐसा ही होता है, रोड ढूंढो, रास्ता ढूंढो, बंदों को ढूंढो। अभी फ़िलहाल हम ढूंढ रहे हैं कि बंदे का दुकान कहाँ है, क्या है, शॉप है क्या है, ऑफिस कहाँ पे है। तो अभी चल रहे हैं ऑफिस ढूंढने के लिए, तो अभी लोकेशन वगैरह देख रहे हैं यूट्यूब पे ही, क्योंकि डायरेक्ट हम कॉन्टेक्ट करके नहीं आए, डायरेक्ट बात करके नहीं आए। बात करके आते तो ऐसा होता है सब कुछ मतलब काम तैयार रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं तो बिना बात करे जाएंगे तो पूरा पता चल जाएगा ना कि अपने को मतलब फ्रॉड करता है कि रियल में काम करता है। था तो अभी जा रहे हैं वहाँ, देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। गाइस रास्ता नहीं मिल रहा था तो अभी फाइनली मैप में ढूंढा है, तो मैप हमें लेके जा रहा है। अभी चलना ही है, अभी ब्रॉक 1.5 किलोमीटर आगे जाना है अपने को। तो अभी चल रहे हैं, अभी 1 मिनट का रास्ता दिखा रहा है मैप में और वापस आना पड़ेगा। हमें कीर्ति नगर चले गए थे, हम फ्लाईओवर पार कर चुके थे, फ्लाईओवर पार करने के बाद वापस आना पड़ा। फिलहाल जा ही रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी इसमें 6 मिनट दिखा रहा है और इस जाम को देख के लगता नहीं है कि वैसे बोल जाएंगे नहीं। 332 पिलर नंबर दिख 30 दिखा रहा है पिलर नंबर, ठीक है 330 पिलर नंबर के पास से मुड़ना है अपने को लेफ्ट साइड में। गाइस फाइनली मिल गया ये शॉप मतलब ऑफिस, शॉप तो नहीं बोलेंगे, ऑफिस मिल गया। तो अभी यहाँ पे जाते हैं, बात बात करते हैं क्या प्राइस लगता है अपने को।
जी वाली भी गाड़ी ठीक है, सिलेरियो है ना ये, तो ये कौन सी है। CMS कीर्तिनगर पहुंचा और यहाँ मैंने गाड़ियों के बारे में डिटेल ली, तो यहाँ पे दो ही गाड़ियाँ अवेलेबल हैं अभी फ़िलहाल। एक तो यहाँ पे खड़ी है आर्टिका और डिज़ायर वगैरह खड़ी हैं। तो यहाँ के रेट जो हमने पता करे तो यहाँ बता रहे हैं 5 लाख के, 5.5 लाख अप्रॉक्स में डिज़ायर मिल जाएगी और आर्टिका का रेट आपको 10 लाख के आसपास में मिल जाएगा। टॉप मॉडल जो टॉप मॉडल होगा वो 2020 का होगा और 2020 का और 19 का 18 का ये अवेलेबल है इनके पास। उनके रेट के हिसाब से इनको यहाँ पे जो डिपॉजिट प्राइस उन्होंने बताया है 1.5 लाख के 2 लाख के आसपास में, वो डिपॉजिट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे डिपॉजिट पॉइंट जो हमें पेमेंट करनी है, स्टार्टिंग पेमेंट जो हमें करनी है 50% करना है। मतलब कि आपका मान लो डिज़ायर 5 लाख की है तो 2.5 लाख अपने को पेमेंट करनी है यहाँ पर, और बाकी आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आके अपना टाइम वेस्ट करना, बाकी गाड़ियाँ देखना, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। बाकी मैंने अपना रिव्यू दे दिया है और आप लोग अपना रिव्यू बताना कमेंट में कि आप लोग में से कौन कौन यहाँ पे गया है और आपको क्या मिला है यहाँ पे, मतलब कि गाड़ी मिल गई है नहीं मिली और सेम रेट पे मिली है जो आप वीडियो देख के गए हो। बाकी हम आए थे, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, बाकी हम सोच के देखते हैं। अभी 50% का मार्जिन हमारे पास था नहीं, है भी नहीं। हम सोच के गए थे 2.5 से 2 लाख डाउन पेमेंट करेंगे अपना और गाड़ी लेके चल देंगे, तो अपना तो काम हुआ नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हो, आपको अगर लेना हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। कीर्ति नगर आया वो हूँ मैं भी, अभी मैं जा रहा हूँ घर। अभी देखते हैं दूसरी जगह भी एक बार विजिट कर लेते हैं, वहाँ पे क्या पता डाउन पेमेंट कम हो या फिर गाड़ी के नए के शोरूम में जाके देखते हैं वहाँ पे डाउन पेमेंट कितनी करनी होती है। नए का तो हम गए ही नहीं है तो पता नहीं है, फिलहाल अभी जा रहे हैं और यूट्यूब से अर्निंग नहीं हो रही इसलिए सोच रहा हूँ कि नया बिजनेस करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू अगेन। अभी मैं देख ले सुजुकी का है कहाँ शोरूम, सुजुकी की तो आइए यहीं पता कर लेंगे, यहीं पे तो है। चलो अभी जा रहा हूँ शोरूम, देखते हैं क्या रेट होता है वहाँ का।